गाइस दोनों बाजू देख सक रहे, पूरा घना जंगल है। दिखाया ना किधर जा रहा नसीब मार्क करके रखा है इन लोग ने। देख रहे हो गाइस सामने क्या मस्त व्यू है। गाइस यहाँ पे शायद पूरा फॉरेस्ट फायर लगा है। पीपल वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइज आज का राइड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं आज मालशेज घाट, जो कि वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग प्लेस है एक राइड करने के लिए महाराष्ट्र में। तो मालशेज घाट जो है वो एक हिल स्टेशन है जो कि है इन बिटवीन पुणे एंड इगतपुरी बोल सकते हो आप। मालशेज घाट जो है वो पड़ता है हम लोग के यहाँ से अराउंड 150 किलोमीटर्स। तो आज का टोटल राइड होगा अराउंड 300 किलोमीटर्स का। तो गाइस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को अब भी लाइक कर दो, और गाइस चैनल पे नए तो फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस आज का जो रूट सिलेक्ट किया है वो है वाया वज्रेश्वरी, फिर वासिन और शाहपुर होके फिर हम लोग पहुँचे गए मालशेज घाट। आते वक्त हम लोग डिफरेंट रूट ले गए, वाया थाने वगैरह आएंगे, बट जाते वक्त यही रूट सिलेक्ट किया है। तो गाइस देख ही सकते हो काफ़ी ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग निकले आज हम लोग, तो अराउंड 5 बजे समथिंग निकले थे घर से क्योंकि थोड़ा काफ़ी दूर है और रिमोट लोकेशन है, तो इसलिए जल्दी जा रहे हैं आज। और आगे मेरे चल रहा है अखिलेश अपने ड्यूक 390 पे, और मैं हूँ अपने निंजा 300 पे। तो चलिए ले चलता आप सब लोग को मालशेज घाट और दिखाता हूँ वहाँ की ब्यूटी। फटाफट सूरज देवता आ जाओ, ये कुछ दिख नहीं रहा रास्ते में ज़्यादा, और यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स वगैरह तो कतई नहीं है बिल्कुल। तो जितना जल्दी सन आएगा उतना ज़्यादा अपन फिर फटाफट डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। कैसा ठंड है? दिखा ना किधर जा रहा लौड़े। तो गाइस बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट है आज क्योंकि बहुत दिनों से ये प्लान चल रहा था, जाएंगे मालशेज घाट जाएंगे रेनी सीजन से, पर हो नहीं रहा था। किसी का कभी बाइक नहीं था तो कभी कोई काम में बिजी था। तो फाइनली आज का जो राइड कंप्लीट हो रहा है अपना, जा रहे अपन मस्त मालशेज घाट। तो गाइज होप सो वेदर वहाँ पे पूरा क्लियर हो तो अच्छे से आप लोग को दिखा पाऊंगा मैं मालशेज घाट का ब्यूटी। लाइक रेनी सीजन में अगर आप कभी गए होगे या जाओगे तो फुल वाटरफॉल ही वाटरफॉल रहता है पूरे रोड पे, और उधर का सराउंडिंग पूरा इतना मस्त ग्रीन हो जाता है कि एक अलग ही लाइक हेवन जैसा दिखता है वो। नसीब मार्क करके रखा है इन लोग ने। क्या वक्त चलो। तो अभी अराउंड ऑलमोस्ट अपन लोग ने 50 किलोमीटर्स कवर कर लिया है, तो और 100 किलोमीटर्स दिखा रहा है और 3 आवर्स दिखा रहा है टाइम, पर आई होप उससे पहले ही हम लोग पहुंच जाएंगे क्योंकि जैसे ही थोड़ा उजाला होगा तो एवरेज स्पीड थोड़ा बढ़ जाएगा अपना। तो काफी मस्त है इधर,
इधर पता नहीं गांव वगैरह साइड में अच्छा डेवलपमेंट हुआ है महाराष्ट्र में, एटली रोड्स वगैरह तो मस्त बना के रखे। 5 minutes later पूरा खड़खड़ी रोड आ गया, खड़खड़ी। इतने टाइम इतना तारीफ किया रोड का, शायद गवर्नमेंट का नाम लिया जैसे ही, वैसे ही भाई ऐसे रोड्स चालू हो गए। किधर जंगल विंगल में ऐसे रोड बना है बीच में, वहाँ से जा रहे हम लोग मालचेज घाट जिंदगी घाट। तो गाइस फाइनली अभी सनराइज हुआ है और बज रहे अराउंड 7, तो अभी हम लोग बढ़ रहे टुवर्ड्स वासिंद, फिर उसके बाद आएगा शाहपुर, ऐसा होके अपन पहुंचेंगे मालचेज घाट। बीच में रोड थोड़ा ज्यादा ही खराब था, अभी रोड थोड़ा अच्छा है, और फिर से जिंक्स ना हो जाए। क्या कर रहे तुम डॉगी? डॉगी ऐसे मूड करके देख रहा बेचारा। तो गाइज और अभी 70 किलोमीटर बचा है अपना डेस्टिनेशन आने। पहला 50 किलोमीटर हम लोग ने बहुत फटाफट कवर कर लिया था, उसके बाद से जब से रोड ऐसा खराब खराब आने लगा है तब से थोड़ा स्पीड एवरेज स्पीड कम हो गया है। गाइस यहाँ पे शायद पूरा फॉरेस्ट फायर लगा है या कंट्रोल्ड फायर है पता नहीं, बहुत ज़्यादा आग लगा है ना, किसने शायद अपना ज़मीन में आग लगा है, देख रहे हो पूरा धुआं धुआं हो रहा है। तो गाइस अराउंड 12 किलोमीटर दिखा रहा है अभी, फुल घाट वाला सेक्शन है यहाँ पे अभी, खास करके ये ST लाल डब्बा बस से बहुत बच के, बाप रे बीच में तो बहुत ही बड़े बड़े खड्डे भाई, रात को कोई अंधेरे में आएगा घुस जाएगा पूरा। तो गाइस यहाँ पे अगर आ रहे हो तो ये लाल डब्बा बस भी इससे बच के एकदम, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं, कैसे भी चलाते उन लोग। दस तो अभी बज गया इधर और 11 मिनट दिखा रहा है 7 किलोमीटर। क्या मस्त पहाड़ है इधर, देख रहे हो गाइस सामने क्या मस्त व्यू है, आ बड़ा पहाड़ है। तो अभी गाइस आप लोग ने देखा पूरा कितना मस्त व्यू है इधर, और आगे देख पा रहे हो यही है शायद ऊपर मालचेज घाट। अब ऐसा लग रहा है कब पहुंचेंगे ऊपर फटाफट से और व्यू का मजा लेंगे, क्योंकि अराउंड 140 किलोमीटर चला के हो गया, लेकिन घाट आ ही जा रहा है, आ ही जा रहा है।
और एक के बाद एक पहाड़ जा रहा है। तो गाइस फाइनली अपन पहुंच गए मालशेज घाट। तो थोड़े टाइम बाद आगे जाके आपको व्यू पॉइंट पे लेके चलता हूँ वहाँ पे, फिर वहाँ से व्यूज़ वगैरह दिखाता हूँ। रेनी सीजन में जस्ट इमेजिन करो कितना ही ब्यूटीफुल दिखता होगा ये प्लेस पूरा। लाइक दूसरे लोग के व्लॉग्स वगैरह में देखा था, काफ़ी सेक्सी और एक मस्त प्लेस बन जाता है रेनी सीजन में। तो रेनी सीजन में भी डेफिनेटली आएंगे। तो चलिए अभी फटाक से पहले व्यू पॉइंट पे जाते हैं और फिर दिखाता हूँ आपको मस्त वाला व्यू मालशेज घाट का। तो भाई ये रहा अपना टनल मालशेज घाट का फेमस। तो गाइस फाइनली यहाँ पे व्यू पॉइंट पे पहुंच गए अपन मालशेज घाट के। तो चलिए फटाफट से जाते उधर आगे और फिर दिखाता हूँ आप सब लोग को व्यू। तो गाइज यही था अपने मालशेज घाट का ट्रिप आज का। तो गाइज होप सो आप सब लोग को वीडियो अच्छा लगा रहेगा। वीडियो अच्छा लगा है तो गाइज वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी, और गाइज चैनल पे नए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यही मुझे हेल्प करता है मोटिवेट रहने में और आपके लिए नए नए व्लॉग्स लाने में। तो मिलता हूँ मैं आप सब लोग को अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी या, टेक केयर, पीस। I want to reach 1 million likes. So please sab sapakarat sara kabar sabarakarai sab sapakarat sara kabar sabarakarai sab sap